सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आज का BGMS रिजल्ट के बारे में। फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था तो बताता हूँ। सबसे पहले कार्निवल गेमिंग है टॉप पे, देख सकते हो क्या खेले है आज, चिकन भी निकाले और कंसिस्टेंट है। फिर IQ सोर, पहला ही गेम चिकन आया था, फिर थोड़ा पॉइंट्स कम निकला था, फिर लेकिन लास्ट गेम में पॉइंट्स निकाल के #2। फिर NTT भाई क्या कमबैक किए है, एक चिकन भी निकाले, लास्ट गेम भी बहुत फिनिशेस निकाले, सो अच्छा है। #3 फिर OG भाई कल #1 पे थे, कितना ज़्यादा चेंज है। फिर टीम तमिल आज है, ठीक ठाक गेम गया है, GDR गॉडनेस, फिर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक कार्पीडियम, ये टीम्स का उतना खास गेम नहीं गया, पॉइंट्स नहीं निकाल पाए, मतलब फाइट्स नहीं निकाल पाए। आगे देखोगे तो मोगो स्पोर्ट्स कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। फिर TX भाई शुरू का गेम अच्छा नहीं जा रहा था, बट लास्ट गेम में वो लोग क्या डोमिनेशन के साथ खेले हैं, 16 या 17 फिनिश पॉइंट निकाले हैं। फिर ग्लोबल स्पोर्ट्स एक गेम बहुत ही अच्छा गया था, बट फिर भी इनफ पॉइंट नहीं निकाल पाए हैं। और रेकनिंग ईस्पोर्ट्स अच्छा नहीं जा रहा है, वन ब्लेड है, WSB, रेवन ईस्पोर्ट्स एंड 8-bit, ये टीम्स का चांस तो खत्म हो चुका है जीतने का, लेकिन देखते हैं कल क्या रहेगा। अब देखते हैं कल कौन सी टीम जीतेगी, कल है फाइनल डे। वैसे आज लास्ट गेम में भाई क्या चल रहा था, मतलब क्लासिक बना दिए थे। वैसे आपको पता है जो भी यहाँ पे बॉटम टीम्स थी वो लोगों को पता था कि अब जीतने का चांस था नहीं, तो इसलिए फुल ऑन यहाँ पे रस खेले थे और TX उसमें फिनिशेस निकाल लिए थे। खैर उसके बाद यहाँ पे आज पहला गेम में कुछ इशूज आया था कुछ टीम्स का, जैसे 8-bit के प्लेयर्स ने शेयर किया था, मैं POV दिखा दूंगा, इसमें आपको दिखेगा भाई यहाँ पे बंदे मतलब ये लोग कैसे वाइफ हुए कुछ पता ही नहीं चला, मतलब भाई यहाँ पे नेटवर्क का पूरा इशू, फुल डिसिंग में मर गए। अब यहाँ पे जूसी ने शेयर किया, लीग स्टेज वी टुक 14 पॉइंट्स वाइपिंग आउट 2 टीम्स एंड ओवर ऑल हाफ ऑफ द लॉबी डाइड एंड ओनली 5 टीम्स वेर अलाइव बट दे रीहोस्टेड द लॉबी बिकॉज ऑन गाय डाइड बिकॉज ऑफ नेट लैग। और फिर इसके बाद इन द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ Day 2 टुडे ऑल ऑफ अस वेयर ट्रैवलिंग इन वन कार, वी गेव द फर्स्ट नॉक ऑफ अपोजिट टीम एंड वी ऑल डाइड बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, आस्क्ड फॉर रीहोस्ट बट नाउ नो रीहोस्ट। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ हुआ था, आप लोगों को याद होगा 8-bit गेम में बहुत ही अच्छा खेले थे बट वो रीहोस्ट हो गया था लीग स्टेज के अंदर। बात यहाँ पे ये है कि उस टाइम 2 ही मैच था और अभी 4 मैच है, और रीहोस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई यहाँ पे टाइम नहीं है, एक भी रीहोस्ट करेंगे उसमें भाई 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ जाता है, और इसीलिए भाई यहाँ पे चांसेस खत्म हो चुका है रीहोस्ट का। और फिर यहाँ पे सिर्फ 8-bit नहीं, कुछ और टीम्स का नेटवर्क इशू आया था, जैसे रेवन का भी आप लोग देखे होंगे। तो क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे प्लेयर्स का नसीब थोड़ा ख़राब है, बहुत से टीम्स का ये हो रहा है, होप करते हैं भाई कल ऐसा ना हो, खासकर टॉप टीम्स का, टॉप 3 टीम्स है क्योंकि उनके पास चांसेस है जीतने का, देखते क्या रहेगा, चलो मिलते हैं। एंड फिर यहाँ पे कुछ ट्वीट्स था, जैसे मेजी भाई ने यहाँ पे ट्वीट किया था सुबह, GDR RGE TX Day 2 डोमिनेशन, भाई किसी का नहीं आया, TX भले लास्ट गेम में खेले बट फिर भी वैसा डोमिनेशन नहीं रहा। फिर स्लग इज अ बीस्ट प्लेयर, स्लग एक गेम में बहुत ही बढ़िया खेले थे। उसके बाद व्हाट सीरियसली, वो समय चला गया जब टीम्स स्प्लिट लेती थी और कोई नहीं आता था चैलेंज करने, दिस इज़ नॉट 2022। तो आई थिंक यहाँ पे गॉडला के बारे में बात हो रहा है, मैं फिक्स नहीं हूँ किसके बारे में बात हो रहा है, कमेंट में बताना। फिर लिखे थे CG जीते या ना जीते पर हेक्टर को जो बताना था उसने बता दिया, तो या भाई हेक्टर क्या खेल रहे हैं, मतलब फाइनली यहाँ पे CG के पास चांसेस है जीतने का, देखते कल क्या हुआ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।